और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तालिबान पर भारत का बयान सामने आया है। भारत अमेरिका की तालिबान पर नजर है, ये बयान सामने आया है भारत का। अब तालिबान को लेकर भारत के विदेश सचिव का बयान सामने आया है। लगातार वहां पर अब सरकार बनाने की खबरें सामने आ रही हैं अफगानिस्तान में, और हमारी नीति वेट एंड वॉच वाली है, ये विदेश मंत्रालय द्वारा बयान जारी किया गया है। तालिबान पर भारत का बयान सामने आया है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ये कहा गया है कि भारत अमेरिका पर नजर है, और भारत के विदेश सचिव का ये बयान है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या कुछ कहा गया है इस बयान में? शिवानी, देखिए, तीन दिन की यात्रा पे विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला गए थे अमेरिका और वॉशिंगटन डीसी में। जब उन्होंने यात्रा की समाप्ति के उस दौरान कुछ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि तालिबान पर भारत और अमेरिका दोनों की नजर है, और दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे वो एक्शन ले रहा है तालिबान के मसले पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे में जबकि आज काबुल में इस बात की संभावना है कि तालिबान सरकार की घोषणा होगी, उस बीच विदेश सचिव ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा है कि तालिबान से अभी भारत की जोरदार बातचीत नहीं हुई है और संपर्क भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक का जो संपर्क है वो सीमित है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ऐड किया है कि जो अब तक तालिबान से बातचीत हुई है, जितनी भी, उससे ये महसूस होता है कि मसलों को हल करने में तालिबान जो है वो तर्कशील होगा। यानी पिछला तालिबान जो है वो पिछली बार जो तालिबान था वो मौजूदा तालिबान अलग है, पिछली बार से थोड़ा अलग होगा, एक संकेत दिया है। तो महत्वपूर्ण पक्ष है दोनों मामलों में कि पाकिस्तान पे नजर है भारत की, क्योंकि बार बार भारत का पक्ष रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने में तालिबान का इस्तेमाल करेगा। दूसरी अहम बात ये कि कल ही संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात जी बिल्कुल, और लगातार भारत अफगानिस्तान पर अपनी नजर भी बनाए हुए है। Our engagement with them has been limited, and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. News 18 or Byju's.